हेलो एवरीवन, सुबह प्रातः का समय है और हम लोग राशन के लिए गाज़ियाबाद में मार्केट में निकले थे। लॉकडाउन में आप देख पा रहे होंगे कि प्रातः के समय तो अनुमति है, गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन हर जगह पे आपको पुलिस देखने को मिल जाएगी। हर जगह पे आपको पुलिस का नज़ारा मिल जाएगा, हर जगह पुलिसकर्मी लगे भी हैं। और दो तीन चीज़ें अच्छी लग रही हैं। सबसे पहले तो साफ़ सफाई शहरों में हो रही है, इसी स्वच्छता का देखिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी पुलिस कर्मचारी हैं, तो चप्पे चप्पे पर ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन लोगों का बहुत बहुत आभार, ये जितने भी पुलिसकर्मी लगातार हमारे लिए लगे हुए हैं, तो इन लोगों के कारण ही है जो इतना सब कुछ संभव हो पा रहा है, नहीं तो पब्लिक मानती कहाँ है। लोग अपनी धुन में सवार रहते हैं, तो लगातार इन लोगों के इनके द्वारा पूरे शासन प्रशासन को जिस तरीके से व्यवस्थित किया गया है, इसके लिए पुलिस कर्मचारियों का बहुत बहुत आभार। आप देख पा रहे होंगे हर जगह पुलिस है, और अभी भी सफाई कर्मचारी दिख रहे हैं हर जगह। एक ये भी मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है कि शहर साफ हो रहा है थोड़ा सा। मैं जैसे गाज़ियाबाद और दिल्ली NCR का जो अनुभव है, यहाँ पे वायु प्रदूषण की जो समस्या है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल पा रही है। और आज शायद यहाँ पे कोई कार्यक्रम भी है, जहाँ तक जानकारी मुझे मिली है कि बड़े स्तर का कार्यक्रम है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मुस्तैदी है और सभी लगे हुए हैं। तो सफाई कर्मचारी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से लगातार इस लॉकडाउन को ऐसे ही सफल बनाना है, हमें प्रयास यही करना है। और प्रयास ये है कि जो भी संभव हो, मदद हो सके, हमें एक दूसरों की करनी है इस दौरान। और घर के अंदर रहना सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, एक दूसरे की मदद करिए। और प्रयास यही रहे कि 14 अप्रैल जल्दी आए, और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में हम भीड़ भाड़ को फिर से प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि जब तक पूरी तरीके से समस्या का समाधान तभी माना जाता है किसी रोग के, जब उसकी वैक्सीन आ जाए, जब उसकी दवा आ जाए। आज भी देखो, बुखार भी होता है, मलेरिया भी होता है, दुनिया भर के रोग आज भी होते हैं, लेकिन उनकी दवा है तो किसी तरीके से निजात मिल जाता है, कॉन्फिडेंस है हमें। लेकिन जब तक इसकी दवा नहीं आएगी, तब तक हम इसका समाधान ना समझें, और इस कारण से बड़ी भयावह है। कल मैं जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान सुन रहा था, तो वहाँ पे भी स्थिति अंडर कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। भारत में भी कम से कम ये है कि स्थिति हमारे कंट्रोल में है, और ये तभी संभव हो पाएगा जब सभी लोग सहयोग करेंगे। और इस तरीके से अभी थोड़ा सा एहतियात बरतना है, वैक्सीन बनेगी, लगे हुए हैं सभी लोग, है ना। तो चलिए, प्रयास यही हमारा होना चाहिए कि इस समय जहाँ भी हैं आप सुरक्षित रहें, जितना हो सके एक दूसरे की मदद करें, है ना। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।